Good morning, students. Hope you all are well at your home. So today we are going to study about the chapter of second term, chapter 10, respect for food. So come with me and focus here. We all need food because we eat food when we are hungry. Means हम सभी को खाने की ज़रूरत पड़ती है because जब हम भूखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खाते हैं. फूड गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी मदद करता है ग्रो करने में. इफ़ वी डू नॉट गेट फूड वी विल फील टायर्ड एंड विल नॉट बी एबल टू डू आवर वर्क प्रॉपरली. अगर हमें खाना नहीं मिलता है तो हम लोग अपने आप में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और फिर हमसे आगे चल के कुछ काम नहीं हो पाता, फिर हम कोई काम नहीं प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर पाते. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नेवर वेस्ट फूड. इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना फूड के हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम किसी वर्क को प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे, हम टायर्ड जैसा फील करेंगे अपने आप में. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. Now I'm going to arise one question. Do you finish your tiffin daily? अगर आप अपना लंच डेली फिनिश नहीं करते हैं तो आपको अपना लंच फिनिश करना चाहिए, बिकॉज अगर आप फूड को वेस्ट कीजिएगा तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है. अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी और बिना एनर्जी के हम किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और हम खुद में टायर्ड जैसा फील करेंगे. वी शुड ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड एंड नॉट ईट जंक फूड. हमें हमेशा हेल्दी और फ्रेश फूड खाने चाहिए, ना कि जंक फूड. जंक फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि बर्गर्स, चिप्स, चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ जंक फूड. दीज मेक अस सिक. ये सारे जो एग्जांपल्स हैं जंक फूड के, ये हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क डेली. हमें एटलीस्ट कम से कम 2 glasses ऑफ मिल्क डेली लेना चाहिए. इट इज़ गुड फॉर आवर टीथ एंड बोन्स. ये हमारे टीथ और बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है. शुड फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स. सम ऑफ दीज हैबिट्स आर, फर्स्ट वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद. सेकेंड इज वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड और फ्रॉम द रोड साइड हॉकर्स. हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाने चाहिए, ना ही रोड किनारे जो फेरी वाले होते हैं उनसे कुछ भी खरीद करके नहीं खाना चाहिए. थर्ड नंबर इज वी शुड चेव आवर फूड प्रॉपरली. ईच बाइट मस्ट बी च्वेड 32 times. हमें अपने खाने को अच्छे तरीके से चबाकर खाना चाहिए और प्रत्येक बाइट को हमें 32 times अच्छे से चबाना चाहिए. फोर्थ नंबर इज वी शुड नॉट टॉक और वॉच टेलीविज़न वाइल ईटिंग. जब भी हम खाना खा रहे हों तो हमें बात नहीं करना चाहिए, ना ही उस समय में टीवी देखना चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट गुड हैबिट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. जब भी हम खाना खाएं तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें. फाइव नंबर इज़ वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. इट मे बी बॉयल्ड, फिल्टर्ड और RO वाटर. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, या फिर आप उसको बॉयल करके पियो, फिल्टर्ड करके पियो, या RO वाटर का यूज़ करो, बट हमें हमेशा साफ पानी का यूज़ करना चाहिए, साफ ड्रिंक वाटर लेना चाहिए. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इज़ ईटन बाई डिफरेंट पीपल. जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था, अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग तरीके के डिशेस खाते हैं, अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं. तो आज हम लोग फिर से उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. लिटिल बेबीज ड्रिंक मिल्क मोस्ट ऑफ द टाइम. अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर समय में वो क्या करते हैं, मिल्क पीते हैं. दे ऑल्सो एट टाइम्स ईट सीरियल्स विथ मिल्क कॉल्ड पॉरिज. वो
उस टाइम में क्या करते हैं, सीरियल्स भी खाते हैं किसके साथ, मिल्क के साथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉरेज, लाइक दलिया, रबड़ी, इस टाइप के जो भी फूड आइटम्स होते हैं ना, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसी आइटम्स को खाते हैं, ज़्यादातर वो इस आइटम्स को खाते हैं, मिल्क पीते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड लाइक राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स। हमें हर टाइप के फूड्स को खाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे फूड्स दिए हैं जिन्हें हम डेली खाते हैं, राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स। जस्ट लुक एट इन दिस पिक्चर, ही इज गिवन सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेली यूजेस ऑफ फूड। नेक्स्ट, ओल्ड पीपल ईट बॉयल्ड एंड स्टीम्ड फूड दैट इज़ सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। अब जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बॉयल्ड और स्टीम्ड फूड खाते हैं, मतलब बॉयल किए हुए फूड, या फिर हम उसको स्टीम करके उन्हें खिलाते हैं ताकि वो खाने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो और डाइजेस्टेबल हो और ईजी वे में वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो बूढ़े लोग जो होते हैं, बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, वो बॉयल्ड और स्टीम्ड फूड को यूज़ करते हैं खाने के लिए ताकि वो अच्छे से उसे डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि वो खाने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट इज सम ऑफ दीज आर सूप्स, स्टीम्ड राइस, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, पॉरेज इटीसी। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उस टाइप के फूड्स के जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, स्टीम्ड और बॉयल्ड फूड जो हो गए, जैसे कि हो गया सूप्स, सूप्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम्ड करते हैं, बॉयल्ड करते हैं। स्टीम्ड राइस, जो हम राइस बनाते हैं उसको हम कैसे पकाते हैं, स्टीम्ड करके, स्टीम्ड दैट मीन्स जिसे हम भाप के द्वारा पकाते हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, पॉरेज एंड एक्सेट्रा। व्हेन समवन फॉल्स सिक, ही और सी नीड्स स्पेशल फूड, डॉक्टर एडवाइज दिस स्पेशल फूड। जब कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, जैसे कि मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उन्हें स्पेशल फूड की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर भी उन्हें स्पेशल फूड एडवाइस करते हैं, मतलब सलाह देते हैं। द फूड दे ईट शुड बी लाइट, हेल्दी एंड ईजी टू चेव। और वो जो खाना जो डॉक्टर जो फूड उन्हें एडवाइस करते हैं, वो किस प्रकार का खाना होता है, वो ऐसा फूड होता है जो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है, हेल्दी होता है और चबाने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ऐसे फूड ही वो प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि लोग जो भी बीमार व्यक्ति हैं वो इजी वे में इसे डाइजेस्ट कर पाएँ, अच्छे से चबा पाएँ और ये खाने में लाइट भी हो, हेल्दी भी हो, तो डॉक्टर ऐसे फूड को एडवाइस करते हैं। सिक पीपल आर गिवन फूड लाइक सूप्स, बॉयल्ड वेजिटेबल्स एंड पल्सेज, मिल्क एंड फ्रूट जूसेज एंड समटाइम्स एग्स। अब ये सारे जो फूड आइटम्स है ये सिक पीपल के लिए स्पेशली होता है, ये कुछ ऐसे स्पेशल फूड है जो सिक पीपल यूज़ करते हैं, ये सिक पीपल खाते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं ना वो इन सारे फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं ताकि वो ईजी वे में इसे डाइजेस्ट कर पाए और ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। नाउ चैप्टर हैज़ फिनिश्ड, होप यू स्टूडेंट्स understood this chapter properly. Till then, bye bye, take care and ready for the next classes.